हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल दमिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे बताएं कि आप किस किस टॉपिक पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने ये कहा है, वेयर विल आई फाइंड द गुड एंड बैड, ही सेज यू विल फाइंड गुड एंड बैड इन यू, इन योर चॉइसेस। हम सब अपनी जिंदगी में हीरो बन सकते हैं और हम सभी अपनी जिंदगी के विलन भी बन सकते हैं। चॉइस हमारी है और वहीं गुड और बैड छिपा हुआ है और बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। तो जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को समझते हुए उसके हिसाब से एक्शन ले लेते हैं, ना परवाह करते हुए कि कोई क्या सोचेगा, क्या होगा, फेथ के साथ, तो वो हीरो बन जाते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं, दूसरों को ब्लेम कर लेते हैं, सरकमस्टांसिस को ब्लेम कर लेते हैं, या फिर जो इतनी हिम्मत कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी से सीखना नहीं चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो ही अपनी ज़िंदगी के विलन भी बन जाते हैं। कौरवों और पांडवों की ये जो लड़ाई है महाभारत की, ये बेसिकली हमारी अंतरात्मा की, हमारे भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई ही है। बस रोंडा बर्न ने बहुत पहले एक किताब लिखी थी हीरो, उसे मैंने आज से कुछ 4-5 साल पहले पढ़ा था। मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी थी। कुछ उसने ऐसे लोगों की कहानी बताई है उस किताब में जो बहुत ही नीचे से उठकर बहुत ऊपर तक पहुँचे। कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं, जीन पॉल डिजोरियो, जीएम राव, लिज मुरे। उसमें लिज मुरे की कहानी ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। वो लड़की होमलेस थी, उसके पास घर नहीं था। बचपन से ही उसने घर में बहुत लड़ाई झगड़ा और ना जाने क्या क्या देखा था। उसके माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो शी वॉज़ लिटरली हैविंग नथिंग, नो फैमिली, नो प्लेस टू लिव। लेकिन वो हारी नहीं, उसने अपने अंदर के हीरो को मरने नहीं दिया। फाइनली शी रीच्ड हार्वर्ड, जहाँ वो पढ़ना चाहती थी। वो बताती हैं कि कैसे एक बार उन्होंने किताब चुराई थी। वो एडमिट करती हैं कि उन्होंने चुराई थी, क्योंकि उनके पास उस समय पैसे नहीं थे चीज़ों को खरीदने के। 7 Habits of Highly Effective People by स्टीफन कोवे। और इस किताब से बहुत कुछ सीख कर वो आगे बढ़ी जीवन में। और एक दिन आया जब इसके ऑथर स्टीफन कोवे के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया। शी इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशनल स्पीकर इन अमेरिका राइट नाउ। दोस्तों, ये तो कहानियाँ हमें इंस्पायर करती ही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक इंसान के बारे में जाना, जिसे जानने के बाद मुझे एक्चुअल में आइडिया हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी के हीरो कैसे बन सकते हैं। शी इज़ जोना जिल्टन। शी इज़ अ स्वीडिश राइटर, पेंटर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, नेचुरलिस्ट। शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन। शी इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर। अभी उनके मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ उन्हें मिलते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो हम लोग बहुत बार सोच भी नहीं सकते हैं करने का। कॉलेज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी कंफर्टेबल सिटी लाइफ को छोड़ के वो एक पुश्तैनी अपने गांव में चली गई स्वीडन के नॉर्थ में, जहाँ पे केवल 10 लोग रहते थे। शी सेड, अपने एक वीडियो में वो बताती हैं कि मुझे नेचर के पास रहने का मन था, नेचर मुझे बुला रही थी। उन्होंने अपने दिल की बात सुनी, वो नेचर के पास चली गई और उसके बाद उन्होंने नेचर को इतना एक्सप्लोर किया, उसकी साइलेंस में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन बैलेंस करने की आर्ट सीखी। शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आप यूट्यूब पे उनको देखिए और यू विल रियलाइज़ कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के हीरो बन सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ना चूज़ कर सकते हैं। और जब हम ये करते हैं तो एक चीज़ होती है हमारी लाइफ में, जिसे लैटिन में कहा जाता है वायरस इक्विटस यूंडो, यानी कि वी गैदर स्ट्रेंथ एज वी गो। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको शक्ति भी मिलती जाएगी। बस एक चॉइस की तो बात है। यू ऑल कैन बी हीरो ऑफ योर लाइफ एंड नॉट विलन। थैंक यू।